So very good morning guys, this is Dolesh here and once again welcome to my YouTube channel 200 Journeys. So this is day 5 in Leh Ladakh. Ab dekhiye kal shaam ko we came in the evening around 6 o'clock from Nubra Valley. अब जब भी आप लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट यू नीड रेस्ट बिकॉज यहाँ ऑल्टीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम है. कुछ चीज़ें 10,000 फीट पर हैं, सम आर एट 15,000, सम आर एट 18 और फिर वापस यू कम डाउन टू 5,000. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सो वी स्टेड एट दिस होटल. मैं आपको दिखा देता हूँ ये रूम. सो दिस इज़ द बाथरूम. होटल का नाम है आर्या होटल जहाँ पर हम कल रात को रुके थे. आई वुड से आप यहाँ पर श्योरली आ सकते हैं बिकॉज कल रात का डिनर भी बहुत अच्छा था, आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था. हमारे राजा भाई आ गए हैं. राजा भाई आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी डे 5 एंड वी आर रेडी फॉर वन मोर ट्रिप. और आज की ट्रिप है फ्रॉम लेह टू वी आर गोइंग पैंगोंग लेक एंड दिस विल बी अ रोड ट्रिप. वंस रोड ट्रिप. रेडी सरजीत भाई? We are really excited for this trip and we are going to enjoy it definitely. Enjoy it, okay? और बीच में राजा भाई बीच में चांगला पास भी है ना? चांगला पास. हाँ. चांगला पास. हाँ. कितना हाइट है इसका? हाइट 17,686 फुट है. लगभग 18,000 मान के चलिए. अब देखिए चांगला पास नाम कुछ और है और मराठी में चांगला मंजे खूब छान. अब यही तो खासियत है इंडिया की भाई. दैट इज़ इनक्रेडिबल इंडिया. चलिए लेट्स बिगिन दिस जर्नी. सो ये मान के चलिए पिछले 4-5 दिन से यही हो रहा है. हम लगेज उतारते हैं, होटल में स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर लगेज चढ़ा देते हैं. फिर हमारे राजा भाई और अच्छे. हाँ राजा भाई. हाँ सर. राजा भाई एक बार झूले हो जाए. हाँ, झूले हो जाए. झूले. तो बस वी आर लोडिंग द लगेज. एक बार ये हो जाए एंड देन वी आर गुड टू गो. सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल. अब होटल की सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. सो आवर जर्नी बिगिंस. इट इज़ ऑलमोस्ट लगभग 150 किलोमीटर की जर्नी है फ्रॉम लेह टू पैंगोंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू कवर इट इन अराउंड 6 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड ब्रेक्स. सो गाइज एक बार हो जाए. कम ऑन सब साथ में जो बोले सो निहाल. थोड़ी सी एनर्जी लगाओ यार. एक बार और कम ऑन. जो बोले सो निहाल. दिस इज पुलिस पोस्ट ऑफ खरू. तो यहाँ पर आपको परमिट ज़रूर निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा. और आप परमिट निकालेंगे यू हैव टू शो इट हियर. तो व्हेनेवर यू आर कमिंग मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग द ओरिजिनल आधार कार्ड. दैट इज़ मस्ट. बस एक बार वो क्लियरेंस हो जाए, परमिट शो करते हैं एवरीथिंग एंड देन वी गो ऑन. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3.5 आवर वी हैव बीन. बस चल ही रहे. सो ये देखिए वी हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक. अब देखिए चांगला पास वी थॉट कि यार बाइक का हम ज़रूर करें. बाइक हम प्लान कर रहे थे बट समहाउ इट्स वेरी टफ टू कम बाय बाइक. बाइक हम रेंट पे लेने वाले थे एंड जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन बाइक की कॉस्ट है 1500 रुपये पर डे. दैट इज़ 350 cc. और हिमालयन जो वाइट वाली है इट विल कॉस्ट यू 2000 पर डे एक्सक्लूडिंग फ्यूल. फ्यूल मान के चलिए लेह से पैंगोंग विल कॉस्ट यू अप एंड डाउन इंक्लूडिंग बोथ लगभग 1000 रुपये. तो ट्राई कर रहे थे. देखिए करने में प्रॉब्लम नहीं है बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड ऑन दीज टफ रोड्स यार इट्स अ रिस्क. इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क. सो वी आर करंटली एट अराउंड 7,000 फीट नाउ फ्रॉम द सी लेवल. अब यहाँ से चांगला पास लगभग कितना किलोमीटर बताया? 4 किलोमीटर्स और 500 फीट मोर हमको अब क्लाइम करना है. सो जर्नी इज़ ऑन एंड दिस इज़ फन. तो फोटोग्राफी सेशन तो हमारा यहाँ पर वैसे भी चल रहा है. ये देखिए and just to show you this is avalanche area. अभी यहाँ से पैंगोंग लगभग 3-4 घंटे और. So finally we have reached and this is the world's second highest motorable road. This is Changla at the height of altitude of 17,688 feet. This Changla Baba's temple also, and there also you have Changla cafeteria, which you can enjoy coffee. If you would like to eat something, you can enjoy. And this has been a dream trip. All I wish is that sirf ek khwahish reh gayi, this bike trip. But for sure, in future, with little bit of training and with little bit of practice, we will do this. Come on, yo! Next time we will see you on bike. Yes, we will do this as well. चलिए अब यहाँ से चलते हैं, and now we continue our journey to Pangong Lake. And behind you can see, this is medical aid available. I am trying to get one bite. अगर यहाँ कुछ गलत होता है, if there is any emergency happens over here, how Indian army reacts. But they are saying nahi yaar, on camera we cannot do that, and I totally understand. But salute to army, man. Seriously, look at this, man. Is height per security and safety for all of us. This is just speechless. So Changla Pass is done. अब यहाँ से हम जाएंगे पेंगोंग लेक. ये है 17,000 और वो है 14,009 और 3,000 feet we will go down. So I hope you enjoyed. Yes, yes. And Jiju, shall we continue? Yes. चलिए our car is here. चलिए. Yes. So it's almost 3:30 now, and we have taken a halt for a lunch break. अब देखिए, we are in a village. क्या नाम है? Durbuk. और जो रेस्टोरेंट में हम रुके हैं, इसका नाम है Hot Hot Coffee and Restaurant. So what we have ordered is roti. And we have got an onion also. Roti is there. Dal we have ordered, and there is also fry rice. तो जब आप यहाँ आ रहे हैं, आप और क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? That is, soup is there. आलू का पराठा है. Omelette is also there. There are many more options which you can taste. तो अब हम पहले lunch खत्म करेंगे, फिर यहाँ से journey continue करेंगे. And you can experience lot of heat here. Heat? Yes, it's too hot. Serious too hot. और Pangong Lake के लिए how much more time? It is 1 hour from this place. 1 hour. Yes. So are we ready? Yes. चलिए, so the whole group is having food, guys. And Pangong. We catch you soon. Yes, this is a dream, man. This looks like a dream. आपको ऐसा लगता है you are somewhere, you know, you are somewhere in heaven, just out of the world. Dream, यार, real. आप देखिए ये background देखिए. Look at this, man. ये तो लगता ही नहीं that this is in real. So we started in the morning around 10 o'clock from Leh, and we have reached the Pangong Lake now. This is Pangong Lake. How is it, bhai? Oh, fuck. I think it's less than -1 degree, yaar. So chill. पर पानी clear कितना देखिए, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए पानी clear कितना. So जो आपने पहले देखा, that was the first tourist point which you can enjoy at the Pangong Lake. Now we have come at the second spot, और ये location आपने देखी होगी in the movie Three Idiots, जहाँ पर वो करीना कपूर आमिर खान की वो मुलाकात होती है. The last climax scene. Yes. So this is the Three Idiots shooting point, and this also looks ग्रेट मैन. और मैं आपको बता दूं पैंगोंग लेक 60% it flows in China and 40% is in India. But look at this, yeah, this is beauty. At Pangong Lake you can also do yak riding. So that's all guys from this vlog. I started in the morning around 10 o'clock, now it is 6:30 and finally we have reached our destination, that is Pangong Lake. So if you enjoyed this vlog, yaad rakhiye you have to like the video, share zarur kijiye with your friends or with the group, whoever is coming to Leh Ladakh या at this point, at this lake, subscribe कीजिए, bell icon hit ज़रूर कीजिएगा. And you can also join me at Instagram for regular update. Handle है @200journeys. And you know, ये best location है to close a vlog. I guess this is the best location that I have got till now. So once again, thank you so much guys for joining me in my journey from Leh to Pangong Lake. Now from here I will be going back to my hotel. यहाँ पर हमने होटल बुक किया है रात के लिए, वहाँ रहेंगे. बट मज़ा आ गया. दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग डे. सो दैट्स ऑल गाइज. दिस इज़ डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम दिस ब्यूटी पैंगोंग लेक एंड लेह लद्दाख. टेक केयर. सब्सक्राइब टू 200 जर्नीज़.